हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल। और अभी हो रहा है मॉर्निंग का टाइम, क्योंकि मैं हमेशा मॉर्निंग में शूट करती हूँ। जब भी मुझे शूट करना होता है तो मैं आ गई हूँ खाना बनाने के लिए थोड़ा बहुत, और बाकी मैं बाद में बनाऊंगी। सिर्फ मैं भुजी बना रही हूँ इस टाइम पे, और बच्चों को मैं दूध डाल के दे रही हूँ अभी इस टाइम पे। बूस्ट एनर्जी डाल के देती हूँ उनको। और अभी थोड़ा सा आप मेरा फेस देख सकते हो, मुझे बहुत ज़्यादा हेडक हो रहा था इस टाइम पे। मुझे बहुत ज़्यादा इरिटेटिंग लग रहा था, बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। और उधर बालकनी से मेरे हस्बैंड मुझसे बात कर रहे थे उस टाइम पे, और मैं बस यहाँ पे भुज्जी बना के और उनके लिए थोड़ा नाश्ता रेडी कर रही थी, ताकि वो नाश्ता कर जाए ऑफिस के लिए। आज वो खाना नहीं लेके जा रहे हैं, तो मैंने कहा चलो आप खाना खा जाओ घर से थोड़ा बहुत कुछ भी। तो यहाँ पे ये कर दिया। उसके बाद में मेरे को रात को बहुत ज़्यादा हेडेक हो रहा था, नींद भी नहीं आ रही थी मुझे रात को। आई थिंक रात को 2 ही बज गए होंगे, मैं सो भी नहीं पा रही थी, तो मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो रही थी। तो इसलिए और अभी फटाफट ये बना दिया। उसके बाद में मैं थोड़ा सा चाय बना के और थोड़ा सा दवाई मुझे लेनी है, तो यहाँ पर चपाती मैं अपने हस्बैंड के लिए बना रही थी इस टाइम पर। वेलकम टू बैक माई चैनल। और आप सब कैसे हो? आई होप आप सब ठीक होंगे। और अभी थोड़ा सा मौसम हो रहा है, धूप नहीं निकल रही है, और हो सकता है बारिश भी आ जाए, कुछ पता नहीं है, आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो मैं अभी तैयारी कर रही हूँ। मैंने बच्चों को ब्रेकफास्ट में दिया है एग भुजी प्लस राइस को मिक्स करके, और वैसे उनको दे दिया है, उनको राइस बहुत पसंद है जैसे कि आपको पता है, कॉर्न और मैंने डाला है सोया चंक्स डाल के उनको ब्रेकफास्ट बना के दे दिया। अब मैं कर रही हूँ लंच की तैयारी। तो लंच में मैं बनाने वाली हूँ राजमा, उसके अलावा मैं बनाऊँगी, मेरे पास जो रात को दाल थी वो बच गई थी, जो मिक्स दाल है, और मिक्स दाल मेरे बेटे को छोटे बड़े वाले बहुत पसंद है। तो मैंने कहा अपनी दाल वैसे तो कोई खाएगा नहीं, अगर मैं इनके पराठे बनाऊँगी तो पराठे बहुत टेस्टी बनेंगे। और उसके अलावा राजमा हो गया, ये हो गया, और पराठा हो गया, प्लस मैं बनाऊँगी दूध, मैंने एक्स्ट्रा लिया था दूध वाले से, तो मैं बनाऊँगी पनीर। तो शाम को मैं देखती हूँ पनीर से मुझे कुछ बनाना है, तो उसी हिसाब से मैं बटर कौन सा पनीर आता है, पनीर बटर मसाला करके कुछ, हाँ यही रेसिपी है, तो वो मैं सोच रही थी बनाने की। बट या तो पनीर से मैं कुछ और बनाऊँगी, तो मैं देखती हूँ बच्चों के लिए पराठे या और कुछ स्टफ कुछ बनाना होगा तो वो बनाऊँगी। तो चलिए, आज वैसे भी लेट हो गए, और अभी क्या बताऊँ, अभी इस टाइम पे फ्लोर पे छिपकलियाँ घूम रही है, तो मुझे थोड़ा थोड़ा डर लगता है छिपकली से। और अभी बाथरूम में भी छिपकली आ गई, तो मैं कैसे भी करके फटाफट ना गई हूँ। मैंने कहा मुझे बहुत ज़्यादा डर लगता है, और अभी कोई भी मेरे हस्बैंड नहीं है घर पे, तो मुझे और ज़्यादा डर लगता है छिपकली का। और मेड आके काम करके चली गई, बट यार फिर भी काम तो होता ही, आपका झाड़ू पोछा वो करके गई, बर्तन गई हुई है ब्रेकफास्ट के जितने भी थे, और जो मैंने मॉर्निंग में बनाया था उसके लिए। और अभी मैं बनाने वाली हूँ राजमा, तो उसके लिए मैं पीस रही हूँ प्याज टमाटर, और उसके अंदर मैं डाल दूँगी गार्लिक जिंजर, ये सारा एक साथ ही करके मैं वैसे पेस्ट बना के। और राजमा भी मैंने बॉईल कर ली है कुकर में, ताकि काम आसान हो जाए। उसके अलावा आटा लगाना है ये डाल के। तो चलिए पहले काम कर लेते हैं। और अभी मेरे बेटे की क्लासेस चल रही है, उसमें यार बहुत सारी प्रॉब्लम्स चल रही है, जब तक वो कनेक्ट नहीं हो पाता तब तक मेरा किचन में मन नहीं लगता कि मैं किचन में कोई भी काम करूँ। तो और अभी ह्यूमिडिटी बहुत ज़्यादा बढ़ गई, ना तो बारिश आ रही है ना कुछ। तो यहाँ पे मैं सब्जी बनाने के लिए जो राजमा की सब्जी बना रही हूँ उसके लिए मैं पेस्ट रेडी कर रही हूँ यहाँ पे। तो यहाँ पे मैंने डाल दी है 2 प्याज है बड़े, जो मैंने और भी लिए थे बट उसमें बीच में थोड़ा ख़राब हो गए थे तो निकाल दिए। तो यहाँ पे प्याज लिया है, 2 टमाटर लिए हैं छोटे, ग्रीन चिली और अदरक लहसुन ये भी डाल दिया, और साथ में इनको पीस लिया है। और उस टाइम पे
मैं देख रही थी पीछे कौन है, और उस टाइम में मेरा बेटा छोटा वाला, आपको तो जैसे पता है कि वो कैमरे के पीछे कभी कैमरे के आगे वो ऐसे मस्ती करता रहता है। तो यहाँ पे मैंने डाल दिया है तेल के अंदर जीरा, थोड़ा तेज पत्ता, और यहाँ पे डाला है लहसुन, डाला है मैंने 2-3 कली डाली है लहसुन की, और यहाँ पे पेस्ट डाल दिया है। कभी कभी मुझे क्या होता है, थोड़ा जल्दी होता है ना, तब मैं इस तरीके से सब चीज़ों को एक साथ पेस्ट बना के फिर इस तरीके से बना देती हूँ मैं। तो इससे क्या होता है कि आपका काम जल्दी हो जाता है, इतना ज़्यादा फैलता नहीं है। और कभी वैसे ज़्यादातर मैं कुकर में ही बनाती हूँ राजमा, जब भी मुझे बनाना होता है, क्योंकि कुकर में क्या होता है, जब मेरे हस्बैंड के लिए बनाना होता है तो जल्दी कुकर में बन जाता है, तो मुझे इतना हेड वो प्रॉब्लम नहीं होता। और राजमा कुकर में भी बहुत अच्छे बनते हैं। और यहाँ पे फिर मैं कटने आ गई हूँ आटा लगाने के लिए। दूसरी तरफ मसाला जो मैंने पेस्ट डाला है वो पक रहा है, और यहाँ पे मैंने आटे के अंदर डाला है हल्दी, नमक और धनिया पाउडर है, जीरा पाउडर है, लाल मिर्च पाउडर है, और चाट मसाला डाला है, और ये सब मैंने इसके अंदर ऐड किया है। उसके अलावा मैंने डाला है इसमें गरम मसाला, और इसके अंदर मैंने काला नमक भी ऐड किया है। इससे क्या होता है, इसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। और थोड़ा सा नमक डाल दिया है और तेल डाल दिया है। नमक मैं आटे के हिसाब से डाल रही हूँ, दाल में तो नमक है ऑलरेडी, और यहाँ पे बस थोड़ा उसको मिक्स करके दाल मैं इसके अंदर ऐड करके और अच्छा सा एक आटा लगा लूँगी। बिल्कुल मुझे हार्ड भी नहीं लगाना, तो बिल्कुल सॉफ्ट भी नहीं लगाना है। और इसमें पानी आप देखोगे कि मैंने बहुत ही कम यूज़ किया है, जो दाल मैंने डाली है उसी से आटा बहुत अच्छे से लग गया है। तो इस तरीके से जब दाल खाने का मन नहीं हो, तो आपकी बची हुई दाल हो, बचे हुए चावल हो, तो हम उनका बहुत तरीके से रीयूज़ कर सकते हैं आराम से, बहुत अच्छा बनता है नाश्ता। और यहाँ पे जो प्याज, ये जो मैंने पेस्ट बनाया था वो अच्छे से भुन गया है। फिर उसके बाद में मैंने सारे मसाले ऐड कर दिए इसके अंदर। और मैं हमेशा जब भी राजमा बनाती हूँ, छोले बनाती हूँ, तो मैं मैगी मसाला ज़रूर ऐड करती हूँ, क्योंकि मुझे उसका टेस्ट बहुत अच्छा लगता है। मैं कई सालों से ऐसे ही करती हूँ, कभी मैं छोले में छोले मसाले कभी ऐड नहीं करती, बट मैं मैगी मसाला ज़रूर ऐड करूँगी। और यहाँ पे ढक के मैंने पका लिया मसाले को। और इसमें क्या होता है, पानी हमें कम ही डालना होता है, अगर हम ज़्यादा पानी डाल देंगे तो मसाले को क्या है, उतना ही टाइम लगेगा पकने में। और यहाँ पे जो राजमा है ये भी मैंने बॉईल कर लिए थे, वो भी डाल दिए थे, बट इसमें लगा कि मुझे ये थोड़ा सा गाढ़ा है, मतलब थिक है ज़्यादा, तो मैंने क्या किया, थोड़ा पानी गर्म करके इसके अंदर ऐड कर दिया। अगर इसको मैं ऐसे ही छोड़ दूँगी तो ये और ज़्यादा थिक हो जाएगा, तो मैंने यहाँ पे पानी ऐड कर दिया। और ये आपको लग रहा होगा थोड़ा सा पानी, मैं इसको थोड़ा सा बॉईल कर लूँगी, उसके बाद में इसको रख दूँगी मैं, और जब तक जब हम खाना होगा हमें, तब तक आप देखोगे कि इसका जो लिक्विड है वो कम हो जाएगा, उतना लिक्विड नहीं रहता है। और यहाँ पे बॉईल के लिए चढ़ा दिया, दूसरे गैस पे मैंने इसको रख दिया है। और दूसरी तरफ मैं बना रही हूँ पराठे, और बच्चों को भी अब जब लंच का टाइम हो गया है तो होता ही है, बच्चों को भी भूख लगने लग जाती है, और इस टाइम पे मेरा छाछ खाने का, इसके साथ दही खाने का बहुत मन कर रहा था, बट दही उतना नहीं था कि हम तीनों खा सके, इसलिए फिर मैंने नहीं बनाया। मैंने कहा छोड़ो रायता वगैरह नहीं बनाना, वैसे भी मॉर्निंग में थोड़ा हेडेक हो रहा था, हालांकि मैं खा लेती हूँ लेकिन फिर भी नहीं हो रहा। और भी बादल बहुत गरज रहे हैं, पता नहीं बारिश आएगी कि नहीं आएगी, आई डोंट नो। कभी कभी होता है, बस दिखने के लिए होता है कि बादल गरज रहे हैं, बाकी बारिश आती कुछ नहीं है। और बस ये सारे पराठे बना लूँगी, तो बच्चे बोल रहे हैं कि मम्मा आज किसके पराठे बनाई हो, मतलब वो तो हमेशा ही इतना एक्साइटेड रहते हैं कि मम्मा आज खाने में क्या बना रही, आज लंच में क्या बना रही, आज ब्रेकफास्ट में क्या बना रही, आज डिनर में क्या बना रही हूँ, मतलब उनको तसल्ली नहीं है जब तक मैं उनको बताती नहीं हूँ तो। और उनको राजमा, छोले, पनीर, ये सब मेरे बच्चों को तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है। अगर आप ऐसे खिलाओगे कुछ भी सब्जियाँ और ज़्यादा, जैसे बैंगन हुआ और कुछ हुआ, लौकी हुई, ऐसे इस तरीके से सिंपल उनको खिलाओगे तो खाते नहीं है। तो मैं कुछ ना कुछ तरीका देखती हूँ कि जिससे वो खा सके, तो मैं उसी हिसाब से उनको बनाती हूँ। तो यहाँ पराठे हमारे बन के रेडी हो गए पूरे, और मैं यहाँ पर डाल रही हूँ बच्चों को खाना। तो मेरे बड़े वाले बेटे को अचार बहुत पसंद है, तो मैं इसके साथ अचार भी उसको डालूंगी, बट छोटे वाले को नहीं पसंद, वो नहीं खाता अचार, कभी कभी खाता है, उसको अच्छा लगता है। तो यहाँ पे मैं उनके लिए थाली रेडी कर रही हूँ, उनको दे दूंगी। और यहाँ पे मैंने मेरे लिए भी पराठे बना के रख दिए हैं, ताकि जब मुझे भूख लगेगी मैं खा लूँगी। तो यहाँ पे मुझे जल्दी हो रही थी, क्योंकि फिर मुझे वीडियो अपलोड करना था, तो उसका भी रहता है कि फिर बहुत ज़्यादा लेट हो जाती हूँ, और आप समझ सकते हो जिनके घर में बच्चे होते हैं छोटे, तो कितना काम रहता है।
और ये सब करके फिर मैं अपने बच्चे पे ध्यान दूंगी। चलिए हम पनीर बना लेते हैं, लंच वगैरह सब हो गया है, बर्तन मुझे वॉश करने हैं, मैं थोड़ा सा बस वैसे लेट गई थी और मुझे वीडियो अपलोड करना था, तो 1 बजे का मैंने टाइम फिक्स कर रखा है वीडियो अपलोड का। तो क्या है, मॉर्निंग में टाइम मिलता नहीं है फिर बच्चों की क्लासेस, इस चक्कर में मैंने 1 बजे का टाइम फिक्स किया है हमेशा। अब 1 बजे वीडियो तो मैं अपलोड कर दूंगी 1 बजे के आसपास, जो नेट चलेगा। तो वैसे डेली का मैं डेली वीडियोस अपलोड करती हूँ। और यहाँ पे दूध गर्म कर लिया है मैंने पहले से, और दोबारा मैं इसको भी ठंडा हो गया था तो मैंने गर्म कर दिया दोबारा। तो मैं बनाने वाली हूँ पनीर इससे, और सारा काम ऑलमोस्ट हो गया। कपड़े आज धोने नहीं थे, कल ही मैंने धो दिए थे बेडशीट्स, इनके कपड़े सारे जितने भी ऑफिस के थे। और तो आप देख सकते हो डेली ऑफिस जाते हैं तो डेली कपड़े हो जाते हैं। अभी प्रेस करने के हैं तो अभी पता नहीं कि प्रेस वाला बैठा है कि नहीं बैठा, तो अभी देखते हैं। अगर बैठा होगा तो मैं देख आऊँगी, नहीं बैठा होगा तो फिर कल, या तो कल या फिर परसों, मेरे को एक दो ड्रेस प्रेस करनी पड़ेगी उनकी। तो चलिए सब्जी राजमा की है यहाँ पर, तो शाम को कुछ बनाना नहीं है, आई थिंक राजमा है, राइस मैं बना दूँगी। और उसके अलावा पनीर का मैं कुछ बनाने की सोच रही थी, अभी मैं डिसाइड करूँगी मुझे क्या बनाना है पनीर का। तो पहले चलिए पनीर बना लेते हैं, दूध गर्म हो गया है, गर्म हो गया अच्छे से। और मैं डालती हूँ हमेशा पनीर में दूध में ये विनेगर, हमेशा मैं, नींबू वाला मुझे नहीं अच्छा लगता, पता नहीं क्यों खट्टापन आता है। हालांकि धो लेते हैं तो नहीं आता, बट विनेगर से कुछ भी खट्टापन नहीं आता, बहुत अच्छा पनीर बनता है, बहुत ही सॉफ्ट बनता है मुझे पनीर। और मैं बनाने वाली हूँ पनीर गाय के दूध से। तो यहाँ पे दूध लिया है मैंने, 1 किलो से ज़्यादा दूध है ये गाय का, तो आज मैंने दूध वाले को बोला था एक्स्ट्रा दूध के लिए। तो यहाँ 2 चम्मच मैंने विनेगर लिया है, और विनेगर बहुत यूज आता है किचन जो है सिंक क्लीन करने में, यहाँ डालने में। तो आप देख सकते हो खाली हो गई है इतनी, तो अभी चल रहा है काम। चलिए पहले 1 मिनट, धो लेते हैं, बर्तन हो रहे हैं बहुत सारे, और अभी नहीं धोऊंगी तो शाम को बहुत ज़्यादा हो जाएंगे। और थोड़ा सा रेस्ट भी करना है, क्या है मुझे यहाँ पे इचिंग हो रही है बहुत ज़्यादा, मैं हेयर में पता नहीं क्यों हो रहा है, एक तो हेयर फॉल बहुत ज़्यादा हो रहा है, मुझे समझ नहीं आ रहा कि हेयर फॉल हो क्यों रहा है। तो मैं बहुत सारी चीज़ मैं ऐड लगा रही हूँ, फिर भी उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। तो अभी देखती हूँ, अगर कोई अच्छे सा डॉक्टर मिलेगा तो उसके पास जाऊँगी, और देन देखो आप कितना यहाँ से स्कैल खाली हो गया बिल्कुल। और इसके अलावा यहाँ पे मुझे बहुत ज़्यादा इच्छी होती है रात को इतना ज़्यादा, और अभी आप देख सकते हो, देखो मैं अच्छे से सो भी नहीं पाई हूँ, मुझे नींद भी नहीं आती है कई बार। तो चलिए पहले बर्तन धो लेते हैं फटाफट, लेकिन पहले मुझे एप्रिन पहनना पड़ेगा, बिना एप्रिन के सारे कपड़े यहाँ तक पूरे गीले हो जाते हैं।
सारा काम हो गया है, ये बर्तन का भी हो गया और ये साफ हो गया। अब मैं जाके थोड़ा सा आराम करती हूँ, थोड़ी सोती हूँ और फिर उसके बाद मैं शाम को देखती हूँ क्या इनको बना के देना है क्या नहीं, और इसको थोड़ा सा पढ़ाती हूँ छुट्टे को मेरे। तो थोड़ा सा टाइम इसके साथ भी स्पेंड करूंगी, इसके साथ बिल्कुल टाइम नहीं बिताया अभी जब से काम कर रही हूँ, जब से बिल्कुल ध्यान नहीं दे पाती हूँ बच्चों पे। तो अब थोड़ा सा टाइम इसके साथ मस्ती करूँगी, उसके बाद हम दोनों सो जाएंगे, वो सोएगा तो उसको थोड़ा सा जुकाम हो रहा है। तो चलें।